अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं यार? आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा होती जा रही है। अभी अप्रैल का महीना है यार, और ऐसे लगता है कि मई और जून का महीना चल रहा हो। तो घर की छत के ऊपर यार मुर्गियां पालना, परिंदे पालना बहुत ही मुश्किल काम है। तो कभी कभी यार ऐसे लगता है कि यार छत पर ये सारा कुछ करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ऐसा एक किस्म का यार मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि तपिश इतना होती है कि डिस्टर्बेंस होती है, परिंदे भी डिस्टर्ब होते हैं और हम खुद भी डिस्टर्ब होते हैं। जैसे अभी देखें, अभी 10 का टाइम है, सुबह के 10 बज रहे हैं और मास्टर केज के अंदर पूरी की पूरी धूप चल रही थी, और मैंने फिर क्या किया कि तरपाल को नीचे कर दिया ताकि हमारे परिंदों को धूप ना लगे डायरेक्ट, और छांव में वो इंजॉय करते रहें। लेकिन इंजॉय तो नहीं कर सकते, मौसम गर्म है और हमारी मुर्गियाँ दोस्तों वहाँ पर भी सारी वो धूप आ जाती है दोपहर के टाइम। अभी तो नहीं है, दोपहर के टाइम आ जाती है। कबूतरों का ये मसला है दोस्तों कि यहाँ पर धूप आ जाती है, 2 से 4 घंटे यहाँ पर धूप रहती है और बेचारे कबूतर गर्मी के अंदर बैठे रहते हैं और तो कोई यार जगह ही नहीं है, इसलिए तो बर्दाश्त फिर इनको करना पड़ेगा। मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे परिंदों को गर्मी ना लगे, तो क्या कर सकते हैं यार। गर्मियाँ भी आएँ तो उसमें भी हम कहते हैं कि यार बड़ा मुश्किल काम है, और सर्दियों में भी कहते हैं कि बड़ा मुश्किल काम है। तो खैर यार, ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है, हमें मैनेज करना होगा, अपने परिंदों को संभालना होगा। तो अभी दोस्तों आज हमने क्या करना है, आज हमने ये काम करना है कि ये जो आप कबूतर देख रहे हैं दो, ये दोनों मेल हैं दोस्तों। ये कबूतर दोस्तों आपको याद होगा वफादार कबूतर का बच्चा है, और इस कबूतर को वफादार कबूतर ने अकेले में पाला था, अपना बच्चा था उसका ये। तो यार अब मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना आज हम इस कबूतर के लिए फीमेल लेकर आएँ, क्योंकि ये मेल है दोस्तों, और ये वाला साथ में जो हमने पकड़ा था दोस्तों ये भी मेल है, इसके लिए भी हम एक फीमेल लेकर आते हैं। तो 2 फीमेल्स लेने की कोशिश मैं करूंगा दोस्तों। तो मार्केट जाने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो हमने कबूतर के नीचे अंडे रखे थे कि मुर्गी का बच्चा निकलेगा उसमें से, तो अभी उसको थोड़ा सा टाइम है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई आपने कबूतर के नीचे एक मुर्गी का अंडा रखा था, वो उसमें से बच्चा निकला या नहीं निकला। तो अभी तक दोस्तों उस अंडे में से बच्चा नहीं निकला, 2 से 3 दिन के अंदर शायद बच्चा निकल आए, थोड़ा सा टाइम लेगा वो अभी, क्योंकि उसको पूरा दिन नहीं हुए। तो अभी दोस्तों चलते हैं मार्केट और 2 फीमेल्स लेकर आते हैं। हमारा पिंजरा दोस्तों वो सामने रखा हुआ है जिसमें हम अपने कबूतर लेकर आते हैं अक्सर, और ये हमारी गंजी मुर्गी दोस्तों, बहुत सारे भाई कहते हैं नजर नहीं आती, नजर इसलिए नहीं आती बहुत ज्यादा डरती है, बहुत ज्यादा डरपोक है दोस्तों। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हम 2 फीमेल्स लेकर आ चुके हैं, और एक हम लेकर आए हैं दोस्तों अपने लाल वाले कबूतर के लिए, और एक हम दोस्तों अपने उस कबूतर के लिए लेकर आए हैं जो हमने पकड़ा था। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर रख देते हैं यार इनको, देखो ना वो दोनों ऊपर ही बैठे हुए हैं, और इनको दिखाते हैं कि तुम लोगों की पार्टनर्स आ गई हैं और अब तुमने अपनी लाइफ इनके साथ गुजारनी है। और ये हैं दोस्तों हमारे पिजन्स, और देखते हैं यार ये रिएक्ट करते हैं, गुरगुट्टू करते हैं कोई या नहीं करता। पहले फीमेल के साथ उन्होंने किया था गुरगुट्टू, अभी का पता नहीं है यार पता नहीं अट्रैक्ट होते हैं या नहीं होते। तो ज़रा साइड पर हो जा सकते हैं, पीछे हो जाओ। नहीं यार ये कबूतर हमारा एक नीचे चला गया, और एक ये तो बिल्कुल गूंगा बना हुआ है, ये तो बोल ही नहीं रहा। यूं करते हैं इनको खोल ही देते हैं, ठीक है? एक को करो, दोनों को ना करो, दोनों ही ना उड़ जाए। अच्छा एक को मैं बता दूं कौन गया, नीचे गया डायरेक्ट, इसका मतलब ये हुआ कि नहीं उड़ा, ये उड़ सकता है यार, क्यों नहीं उड़ा, उड़ जाएगा, देखते हैं, लेट्स सी। वो देखो ये शिराजी हर वक्त पीछे लगा रहता है यार हर किसी के। मैं ये कबूतरी उस लाल कबूतर के लिए लाया हूँ, लेकिन लगा शिराजी पीछे हुआ है, वो तो लिफ्ट ही नहीं कर रहा, लगता है उसको पसंद नहीं आई। ऐसा ही है, ये उसको डरा के उड़ाए ना दे। चलो जी जाओ, तो मैं जाऊँ। पर काटते नहीं, पर शर नहीं काटते, छोड़ो नीचे से जाओ भाई, जाओ भाई। ये उसके पीछे भी लग गया है। तो यार आज पहली दफा हमने अपने बगैर कबूतरों के पर काटे हुए उनको छोड़ दिया, पर नहीं निकाले हमने, और मुझे दोस्तों लगता है कि मैं इनको इस डरबे में लेकर आऊंगा तो ये डरबे में भी चली जाएंगी। लेकिन दोस्तों हमने क्या करना है कि अपने लाल कबूतर को और ये इस काले वाले कबूतर को अलग से बंद करना इन 2 कबूतरों के साथ, ताकि ये पेयर बना लें, क्योंकि सबके पेयर तो दोस्तों कंप्लीट हैं। अब ये 2 रहते थे मेल, तो इनके लिए फीमेल हम लेकर आए हैं, लेकिन यार ये लिफ्ट नहीं करा रहे, वो और बात है।
हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि इनका पेयर बन जाए, और अब हम दोस्तों क्या करते हैं कि इनको डरबे में डालते हैं और इनको पकड़ के मास्टर केज में छोड़ते हैं, ताकि ये एक दो दिन मास्टर केज में रहें, पेयर जब बन जाएगा तो फिर हम इनको बाहर छोड़ देंगे। तो चलो जी जाओ 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 यार, मुझे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है कि ये उड़ ना जाए, क्योंकि पहली दफ़ा दोस्तों हम ऐसा कर रहे हैं कि किसी कबूतर को ऐसे ही छोड़ रहे हैं, बगैर पर निकाले बगैर पर काटे, तो सब जाएंगे तो ये भी जाएंगे इंशाल्लाह। क्या लगता है सिटी? वो ऊपर की तरफ देख रहे हैं। जाओ जाओ भाई, आपका घर है। शाबाश शाबाश, ऊपर नहीं ऊपर नहीं, पीछे हो जाओ तो आप। अब बंद कर दो, अब क्या करना है, अब इनको बंद कर दो, इनको मास्टर केज में डाल दो। इनको पहले मास्टर केज में छोड़ देते हैं और फिर इन कबूतरों को पकड़ के मास्टर केज में डालेंगे। तो हमारे नए कबूतर दोस्तों मास्टर केज में आ गए और इनको अब मैं छोड़ने लगा हूँ, और ये गई हमारी एक फीमेल और ये दूसरी फीमेल। चलो जी जाओ। यार ये देखे, हमारा मेल खुमरा फीमेल कबूतर के साथ मस्ती कर रहा है। अरे वाह, ये कैसे हो गया यार, ये बहुत गुड हो गया यार। इनका पेड़ बन सकता है? हाँ ना, बन सकते हैं इनका पेड़। वाह और देखिए दोस्तों, आपने एक डब और एक कबूतरी वो बेचारी भाग रही है यार, ये तो फुल मस्ती में आ गया मेल, देखो वो समझ रहा है कि फीमेल को मर गया, लेकिन ये तो पिजन है यार। चलो बच्चे निकलते हैं। हाँ, इनके बच्चे निकलते हैं? बच्चे निकल ही आएंगे यार, क्योंकि एक ही एक नस्ल है ना ये। फिर क्या होगा, बच्चा कैसा होगा? निकलेगा ये देखो वापस यार, रुको, कबूतर उड़ गए। कौन से? वो एक वफादार कबूतर की कबूतरी और एक हमारा सफेद कबूतर। ये देखो अपनी मर्जी से ये उड़ गए। तो यार कबूतर मैंने पकड़ लिए हैं और अब हम इन कबूतरों के साथ इनके पार्टनर छोड़ रहे हैं। फिलहाल तो पार्टनर नहीं बने, लेकिन बन जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये गया हमारा एक मेल और ये गया हमारा दूसरा मेल, ये माशाल्लाह। और अब यहाँ पर ये रहेंगे दोस्तों जब तक ये पेयर नहीं बनते, हमने इनको मास्टर केज में रखना है, क्योंकि बाहर ये बिल्कुल लिफ्ट नहीं करा रहे थे। यहाँ पर अकेले रहेंगे तो शायद पेयर बन जाए, नहीं तो यार अगर पेयर ना बना तो हम कोशिश करेंगे कि हमारा ये जो कबूतरी है और खुमरा है इनका पेयर लग जाए, तो देखेंगे किस तरह से ये ब्रीड आती है। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद है दोस्तों तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और हमारे चैनल शहर में दैट को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ, कल एक नई वीडियो के साथ। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।